बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। मेराज फातिमा, आज बन रहे हैं दम के टमाटे और उसकी इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है। चलिए बताती हूँ मैं अब आपको इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि 12 टमाटोज हैं, बड़े बड़े लेने चाहिए इसके लिए, आधा किलो खीमा, 3 बड़े अदद प्याज, 4 हरे मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और 1 बड़ा चम्मच धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, 2 बड़े हरा धनिया, उसको कट करके वॉश कर लीजिए, और ये कुछ मसाले भी लगते हैं। ये है पीनट, जो कि मूंगफली बोलते हैं इसको, ये मूंगफली 2 चम्मच होगी, छोटा सा टुकड़ा खोपरे का और 1 बड़ा स्पून मैं ले रही हूँ खसखस, आप ले सकते हैं काजू बादाम या फिर जो है सो वो चारे वाली चिरौंजी बोलते हैं ना, वो भी ले सकते हैं, उस वो भी आप इसी मतलब मकदार में, बिल्कुल थोड़े से मसाले होना है, और ये नमक हसबे जायका जो कि मैंने लिया है 2 से 2.5 चम्मच चाय के जी। रोज मेरी नई नई रेसिपीज आती जाएंगी, तो प्लीज आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा इंशाल्लाह प्लीज, और आपका प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ज़रा टमाटरों का मैं आपको एक अलग से बता दूंगी किस तरीके से कट करके उसका पल्प निकाल देना है, लेकिन हमें उसके जूस की ज़रूरत है, तो मैं एक कर बताऊंगी, आप वैसे तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए व्यूअर्स, ये टमाटर ले लिया है मैंने, इसको इस तरीके से कट करूंगी और इसको ऐसे कट कर मैं पूरा इसका पल्प निकाल दूंगी, बस इसके जूस की हमें ज़रूरत है, इस वजह से मैं ऐसे छन्नी में इसको इस तरीके से कट करके मैं पूरा निकाल लूँ, फिर आपको बताऊँगी। इस तरीके से कम्प्लीटली पूरा खाली होना चाहिए, इसमें हम खीमा भरेंगे, फिर उसके बाद हम इसको दम देंगे। जी फ्रेंड्स, अब ये तैयार है, वो टमाटर का पूरा जूस मैंने ले लिया है, उसको थोड़ा सा छन्नी में ऐसे ऐसे कर पूरा इतना जूस निकल चुका है, तो अब ये जूस तैयार है। अब अपन शुरू करते हैं खीमा बनाने वाली प्रिपरेशन। जी व्यूअर्स, अब फ्रेंड्स, अब हम तैयारी करते हैं खीमे की। अब कुकर ले लिया है मैंने, कुकर में 1, 2, 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और अब इसमें डालूंगी ऑनियंस, ज्यादा ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीटी भी लगाएंगे, 1-2 सीटी के बाद उसको अच्छे से भुनेंगे, तो बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये हल्का सा जैसे कुक होना शुरू हो जाएगा, सब सारी इंग्रेडिएंट्स अपन मिक्स करके इसको जब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे कुकर की सीटी लगाकर। जी देखिए, ये कुक होना स्टार्ट हो गई है ऑनियंस। फ्रेंड्स, बहुत मजे की रेसिपी है ये भी, और मेरी स्पेशल रेसिपी है, और मैं क्विक वाला बनाती हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत सारी झंझटें होगी। ये है हरी मिर्च, इसमें चला गया, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, सब मिला के हमें कुक करना है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सब हम अलग अलग तरीके से पकाएंगे। नमक, मिर्च और हल्दी इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूंगी खीमा, ये लगभग 1/2 किलो खीमा है, पानी का मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया क्योंकि वो मैं जब यूज करूंगी तब आपको बता दूंगी, क्योंकि इसमें टमाटो का जूस भी पड़ता है तो पानी बहुत कम लगता है। जी
टमाटर का जूस इसलिए डालती हूँ कि पूरा खीमे में वो टमाटर का फ्लेवर आ जाए इस वजह से, और कुक भी बहुत अच्छा हो जाता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता, तो इस वजह से मैं पानी का आपको नहीं बता। ये हो गया मिक्स अच्छे से, अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर जूस और इसमें जाएगा गरम मसाला और धनिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ा पानी और लगेगा और चार दो तीन सीटी में ये ऑनियंस पूरी गल जाएगी, बहुत मज़ेदार बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब इसमें लगेगा ये जो हरा धनिया मैंने कट करके धोकर कट करके रखा है, इतना पूरा नहीं डालेंगे हम, जस्ट 40% डालेंगे। ऊपर हम जब टमाटे दम देंगे भरकर भीमा उसमें, तब इसमें लगेगा सब जी। देखिए अब इसको फिर मिक्स कर लेंगे। देखिए ये खीमा इस तरीके का दिखेगा। अब हम लेते हैं आधा ग्लास पानी, ये बाउल में हम डालेंगे, ये स्पून से होकर अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कुकर की सीटी लगाएंगे दो से तीन सीटी में ये हो जाएगा, और ये खीमा पूरा ड्राई हुए तक हमको कुक करना है। हम सीटी लगाकर अगर पानी हो तो उसको भून लेंगे, जब तक सीटी होगी तब तक हम मसाला भूनकर जो तिल और जो खशखश और फल्ली खोपरा था मैं उसे भूनकर ग्राइंड कर लूँगी, फिर पेस्ट की शक्ल में आपको बताऊंगी जी। देखिए ये हो गया तैयार, अब इसको हम अब मैंने कुकर की सीटी लगा दी है, तीन सीटी तक हम वेट करेंगे। अच्छा खासा है तो अब इसे हम सुखा देंगे। अब इसे हम पूरी तरीके से सुखा देंगे, जो भी थोड़ा बहुत पानी है सूख जाने के बाद इसे हम गरम मसाले इसमें मिक्स करेंगे। ये मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है, तो अब ये मसाला इसमें मैं डाल दूंगी। जाएगा तब हम इसे टमाटो में भर के फिर से कुक करेंगे, टमाटे दम देना बोलते हैं इसे। ये जो तिल, ये जो खशखश फल्ली और खोपरा हमने जो है सो पेस्ट बनाया था ना, वो हम मिक्स कर चुके हैं इसमें। अब जब ये सूख जाएगा बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब हम इसे टमाटो में भर कर फिर दम देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये तैयार हो चुका है खीमा, अब हम इसको टमाटो में भरेंगे फिर कढ़ाई में रखेंगे, कढ़ाई फिर चूल्हे पे रख के फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। चलो गुड, अब इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसमें टमाटो में खीमा भर देते हैं। देखिए इस तरीके से खीमा फुल भरना चाहिए, और ये ऐसी कढ़ाई में मैं रखती जाऊँगी। नॉन स्टिकी अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टमाटर अच्छे से कुक होंगे और मज़ेदारी भी आएगी। वो थोड़ा जो नीचे लगता है ना, वो इसमें मज़े का लगता है बस। ऐसे पूरे टमाटर हम भर लेंगे इस तरीके से, भरकर ऐसे ही रखते जाएंगे। इस तरीके से टमाटे भरना है, भरकर इसमें रखते जाना। देखिए फ्रेंड्स मैंने सब टमाटरों में खीमा भर दिया है, अब इसमें लगेगा 4 से 5 चम्मच तेल, ये एक डाल दिया मैंने,
ये दो डाल दिया, ये तीन डाल दिया, लगता है कि चार बस हो जाएंगे, चार डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब ये टमाटे तेल डालने के बाद टमाटे पकने वाली आवाज आ गई। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालूंगी ताकि टमाटे अच्छे से कुक हो जाए। जी, इसको ढक दें और फुल आंच पे एक 10 मिनट या 5 मिनट के बाद फिर हम इसे खोल के देखेंगे। अगर जरूरत हो तो फिर फुल फ्लेम पे 5 मिनट फिर कुक करेंगे। अब हम चेक करते हैं, 5 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट्स के बाद इसका क्या है। ओके, और इसे 5 मिनट्स कुक करने की जरूरत है फुल फ्लेम पे, और 5 मिनट्स हम ऐसे बीच बीच में चेक करते रहना जरूरी है। और टमाटे देखिए कितने अच्छे कुक हो रहे हैं, ऐसा ये स्किन और इसका पल्प सेपरेट हो जाना, दैट मीन्स टमाटर बहुत अच्छे कुक हो रहे हैं। तो हम इसे और 5 मिनट्स छोड़ते हैं, देखेंगे 5 मिनट्स और हो गए, अब चेक करते हैं। ओहो वाओ जी, बहुत अच्छे से पक चुके हैं ये टमाटे। अब हम इसको दम पे छोड़ते हैं। ये बचा हुआ कीमा है, अब मैं इसके ऊपर कीमा डाल दूंगी साइड से, और बचा हुआ जो हरा धनिया है हमारा वो भी डाल दूंगी। देखिए इस तरीके से मैं कीमा डाल देती हूँ साइड से, जो भी बचता है थोड़ा, ये इसका भी अलग से मज़ा आता है। तो बचा हुआ कीमा हम ऐसे डाल देते हैं, इसको धीमा कर लेते हैं। ये देखिए कीमा ऐसे पूरा गार्निश कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि और अच्छे से पक जाए कीमा, दम जो देते हैं ना वैसे। थोड़ा सा लगेगा एक आधे गिलास पानी और, जो कि मैंने कुकर को वॉश कर लिया है। देखें ऐसे साइड से थोड़ा, एक 5 मिनट फुल फ्लेम पे रख कर फिर हम 5 मिनट दम दे देंगे इसे। देखिए हमने इसे फुल फ्लेम पर कर लिया है और इस तरीके से पक रहा है। इसको ढांक देंगे, इसको ढांक देंगे एक 5 मिनट फुल फ्लेम पे रख के, फिर एक 5 मिनट हम इसे दम देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरा कुक हो चुका है, बस अब हमें इसे एक 5-10 मिनट्स दम पे छोड़ना है, उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे सर्विंग के लिए। देखिए व्यूअर्स और फ्रेंड्स, ये सब तैयार हो चुका है, दम के टमाटे तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ आप जो है तो मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा ज़रूर, और कमेंट भी करिए, अब शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल का पता बोलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।